हरे कृष्णा, मैं विशाल पावा। आज मैं आपको बताऊंगा ओसीडी में फास्टिंग का कितना बड़ा मेजर रोल होता है। तो चाहता है इसको पूरा लॉजिकली समझे, वो कैसे। ओसीडी में क्या होता है कि ऑब्सेसिव थॉट आते हैं, एक विचार बार बार आता है, आपको परेशान करता है, और उस परेशानी को कम करने के लिए आप कंपल्शन करते हैं। कंपल्शन चाहे वो एक्शन वाला हो या थॉट वाला। उसके बाद इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, अनचाहे विचार आपको परेशान करते हैं, ऐसा मन में कुछ ना कुछ चबड़ चबड़ चलता रहता है। उसके बाद नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, ऐसा लगता है कुछ गलत ना हो जाए आपके साथ। फिर एंजाइटी होती है, कोई डर महसूस होता है, ऐसा लगता है मेरे कुछ गलत ना हो जाए, मेरे कुछ नुकसान ना हो जाए, जिसके साथ वो घबराहट महसूस होती है। और ज़्यादा अगर एक्सट्रीम केस चला जाए तो एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक भी आ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। अब मैं चाहता हूँ इसको पूरा साइंटिफिकली समझे, इस लॉजिक को। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि हमारा माइंड और हमारी सांसें आपस में कनेक्टेड हैं, वैसे ही हमारा माइंड और हमारा स्टमक आपस में कनेक्टेड है। अब इसको एग्जांपल समझाता हूँ। आपने खुद नोटिस किया होगा कि जब आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, कोई घबराहट होती है, दुखी होते हो या डर महसूस होता है, तो उस समय आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, या एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, या गैस बनने लगती है, यहाँ तक कि गुड़गुड़ महसूस होती है, ऐसा लगता है कुछ बटरफ्लाई जैसा महसूस हो रहा है। और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, स्ट्रेस होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, कुछ खाने की क्रेविंग होने लगती है, या आपकी भूख बिल्कुल मर जाती है, कुछ खाने का मन ही नहीं करता। कभी कभार इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि आपका मन बिल्कुल खुश हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो, लेकिन अगर उस समय आपका पेट खराब हो जाए, एसिडिटी हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, या कुछ गैस बनने लगे, कुछ भी ऐसा, तो आपका मन भी काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता है, और जो काम कर रहे हो उसमें कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसी के बेस में समझाना चाहता हूँ कि कभी आपने सोचा है कि मन विचार कैसे बनाता है। विचार बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी हमारे शरीर और हमारे स्टमक से मिलती है, जैसे कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। वैसे ही हम कुछ भी करते हैं, मैं हाथ भी ला रहा हूँ, पलके भी झपका रहा हूँ, कुछ बोल भी रहा हूँ, तो उसके लिए एनर्जी लगती है, वो सारी एनर्जी हमें शरीर से मिलती है। तो जिनको ओसीडी होती है, तो उनके लिए तो अपने माइंड के विचारों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन हम अपनी शारीरिक ऊर्जा एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये नहीं कि आपने सारा दिन फास्टिंग की और शाम को आपने दाल चावल रोटी खा ली, पूरी सात्विक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करना है। उससे क्या होता है कि जो आपके माइंड के ऑब्सेसिव थॉट होते हैं, अनचाहे विचार बाबा को परेशान करते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है काफ़ी कम हो जाती है। जैसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप नेगेटिव विचार आपका मन बनाता है तो आप बहुत थके थके महसूस करते हो, और जब पॉजिटिव विचार आपका मन बनाता है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। कहने मतलब कि आपकी जब पॉजिटिव विचार जो होते हैं आपकी शरीर की एनर्जी को हाई रखते हैं, और नेगेटिव विचार आपके शरीर की एनर्जी को काफ़ी डाउन कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं, जिस दिन फास्टिंग करते हो उस दिन ओसीडी का लेवल बहुत कम हो जाता है, और उसका असर आपका एक दिन से लेकर तीन दिन तक रहता है। तो मैं चाहता हूँ उसको हफ्ते में आप एक दिन करें, दो दिन करें, तीन दिन करें, जितना आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन ज़रूर करें। और अगर आप इसके अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसे कम से कम 90 दिन, तीन महीने से लेके छः महीने तक करें, तो आपको खुद को लगेगा कि मेरे ओसीडी से मुझे कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मुझे ओसीडी थी तो मुझे फास्टिंग से बहुत ज़्यादा आराम मिला था। मुझे ओसीडी तो 20-25 से ज़्यादा ओसीडी थी, और अब बिल्कुल 100% कंट्रोलेबल है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ओसीडी से, और मैं प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ, जिनको ओसीडी होते हैं कि मैं हेल्प भी करता हूँ, तो मैं टेक्निक उनको भी फास्टिंग करने को कहता हूँ। तो मुझे सबके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, सबको उनसे राहत मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस नॉलेज को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकूँ। अब फास्टिंग में आपको 5 लेवल बताऊँगा, ईजी से डिफ़िकल्ट, जो आपको कम्फर्टेबल लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला लेवल, इसमें क्या है, आपने सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, कोई भी फल खा सकते हैं और कोई भी वेजिटेबल खा सकते हैं, और उसके अलावा आप 2 गिलास दूध या 2 गिलास दही, दही का आप कुछ लस्सी, छाछ या रायता कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड लेवल, इसमें आपने सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, सिर्फ फल खाने, कोई भी फल आप खा सकते हैं, उसके साथ आपने 2 गिलास दूध या 2 गिलास दही की कोई भी चीज़। थर्ड लेवल, उसमें आपने सिर्फ बनाना खाने हैं, मिनिमम 6 बनाना से लेकर आप 12 बनाना खा सकते हैं, और उसके साथ आपने 2 गिलास दूध या 2 गिलास दही, इन दोनों से चॉइस है, दूध या दही में से कुछ भी ले सकते हो आप, और उसमें आपने इलायची पाउडर डाल के लेना है। अगर आपको केले नहीं भी पसंद है तो आप केले की जगह पाइनएप्पल भी ले सकते हैं या एप्पल भी ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने दिन में सिर्फ एक तरीके का फल खाना है, तीनों चीज़ें एक साथ नहीं खानी। और फोर्थ लेवल, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उनके लिए, स्पेशली इनको एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक आता है, तो इसमें आपने सारा दिन सिर्फ कोकोनट वाटर पीना है, नारियल पानी सिर्फ आपने इसमें पीना है। फिफ्थ, ये थोड़ा टफ है लेकिन मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगा, जिससे हो सकता है सिर्फ वही करे,
वो ये है कि वाटर फास्टिंग। इसमें आपने 7 दिन से पानी पीना, कुछ भी नहीं खाना या पीना पानी के अलावा। अब एक छोटी टिप भी आपको देना चाहता हूँ कि बाई चांस अगर शाम को आप को चक्कर आने लगे, आंखों सामने अंधेरा होने लगे, तो उस समय आप शहद हनी ले सकते हैं। हनी लेने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो आपने गर्म पानी में 1 चम्मच हनी डाल के आप ले सकते हैं। और हनी नहीं तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो एक गर्म पानी में आप गाय का देसी घी गर्म करके 1 चम्मच पानी में मिक्स करके आप ले सकते हो। तो दोनों में से चीज़ें आप ले सकते हो, आपको उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अब एक और बात, वैसे तो फास्टिंग में नमक आपने नहीं लेना, लेकिन अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप काला नमक या पिंक सॉल्ट ले सकते हैं। जैसे कि बनाना के साथ आपने काला नमक ले लिया, नारियल पानी वाली डाइट है, जिस दिन उस दिन आप नमक डाल के भी पी सकते हैं। उसके अलावा एक लोग चलाकी चलते हैं कि सादी फास्टिंग करते लेकिन रात के 12 बजे कुछ खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना, फास्टिंग का पूरा 24 घंटे का साइकिल आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि आप सुबह उठ के 8 बजे बनाना और मिल्क वाली डाइट लेते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो अगले दिन 8 बजे के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर सिर्फ फास्टिंग वाली चीज़ ही आपने खानी है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि सादी फास्टिंग अच्छी होती है लेकिन शाम तक क्रेविंग होने लगती है, ऐसा कुछ मन करता खा ले। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह उठ के जब फास्टिंग डे हो उस दिन संकल्प ले। संकल्प में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। कमिटमेंट कर अपने माइंड से कि मैं सारा दिन फास्टिंग करूँगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाऊँगा। उससे क्या होगा, आपका मन भी आपकी मदद करेगा आपकी पूरी फास्टिंग कंप्लीट करने में। और अब एक और बात बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग से ये नहीं कि सिर्फ आपको OCD से आराम मिलता है, फास्टिंग के और भी ज़्यादा फायदे होते हैं। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल आपका इंक्रीज़ होता है। जैसे जिनको OCD होती है वो अपने मन के विचारों को रोकना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। फास्टिंग से आपके अपने मन के विचारों में कंट्रोल भी इंक्रीज़ होता है। उसके अलावा आपकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी इंक्रीज़ होती है और आपकी विल पावर काफ़ी इंक्रीज़ होती है और आपके पॉजिटिव विचार काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं, नेगेटिव विचार काफ़ी कम होते हैं। और भी इसके अलावा काफ़ी फ़ायदे आपको मिलते हैं। अब एक और नॉलेज आपको देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है। कभी आप नोटिस करना, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपका मन काफ़ी चंचल हो जाता है, विचार इधर उधर भागते हैं। जब आप बिल्कुल नॉर्मल सादा खाना खाते हैं तो आपका माइंड भी काफ़ी समय नॉर्मल या शांत महसूस होता है आपको। तो वैसे ही हमारे भोजन को तीन गुणों में बांटा गया है, एक तामसिक गुण, सात्विक गुण और राजसिक गुण। तामसिक भोजन क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाना, कोई बासी खाना खाना या प्याज लहसुन, ये सारी चीज़ें। जब भी आप तामसिक भोजन करते हैं तो उस समय आप काफ़ी आलसी महसूस करते हैं, आपके विचार भी काफ़ी ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं ज़िंदा क्यों, दिन भर बेड पे पड़े रहते हैं, होपलेस महसूस करते हैं। और कोई भी काम करना और टालने का मन करता है, कल करूँगा, परसों करूँगा, कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। वैसे ही जब राजसी भोजन करते हैं, राजसी भोजन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, अल्कोहल, सिगरेट या मांस मच्छी, जब राजसी भोजन करते हैं उस समय आपका OCD लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। थर 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 आपके विचार आपके मन में परेशान करने लगते हैं आपको। और वैसे जब आप सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक भोजन क्या होता है, बिल्कुल सादा खाना, दाल चावल रोटी, तो उससे क्या होता है आप बिल्कुल उस समय आप नॉर्मल महसूस करते हैं, आपके OCD का लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ इसको सात्विक भोजन को मिनिमम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक करें, आपको खुद को बहुत ज़्यादा अपने OCD के लेवल में फ़र्क दिखेगा। अब अगर आप OCD को पूरे अच्छी तरह ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है मेडिटेशन। मेडिटेशन और फास्टिंग सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो मैंने उसके लिए पहले एक वीडियो बना रखी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो उस वीडियो में मैंने आपको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई है, तो मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उस टेक्निक को फॉलो करना शुरू करें और आपको 3 से 6 महीने के अंदर ही OCD से आपको राहत मिल जाएगी। ज़्यादा तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आजकल लोग वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट भी पढ़ते हैं, तो अगर आपको कोई OCD है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कौन कौन सी OCD वो भी लिखे, क्योंकि जब लोग कमेंट पढ़ेंगे तो उनको ये लगना चाहिए कि आजकल काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होती है। एक तरीके से मेंटल अवेयरनेस के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई हेल्प चाहते हैं या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे रखा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।